किस्मत के रंग कितने अजीब हैं, किस्मत के रंग कितने अजीब हैं, अनजाने रिश्ते हैं पर फिर भी करीब हैं, हर किसी को अध्यापक आप जैसे नहीं मिलते, हर किसी को अध्यापक आप जैसे नहीं मिलते, आप हमें मिले ये हमारे नसीब है। नमस्कार, मेरा नाम काजल है, मैं कॉमरेड रामचंद्र राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रहन जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पढ़ती हूँ। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम मैं नवोदय क्रांति परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ, जो कि सरकारी शिक्षा के उत्थान के लिए लगातार प्रयत्नशील है। मैं धन्यवाद करती हूँ नवोदय क्रांति परिवार भारत के संस्थापक श्री संदीप ढिल्लो जी का, जिन्होंने हमें अपनी अभिव्यक्ति के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरा विचार मेरी अभिव्यक्ति कार्यक्रम के संयोजक श्री सुरेश भारद्वाज जी का, जिन्होंने हमें अपने विचार आप सभी के समक्ष रखने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी मेंटोर मेरी प्राइमरी अध्यापिका श्रीमती शिखा पठानिया मैम जी का, जिन्होंने मुझे अपने विचार आप सभी के समक्ष रखने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरा मार्गदर्शन किया। आज मैं आप सबके सामने विद्यार्थी और अनुशासन विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। चल चल कर चींटी ना थकती, चल चल कर चींटी ना थकती, करती अनुशासन की भक्ति, खुद से ज्यादा बोझ उठाकर आसमान को लक्ष्य बनाकर प्रतिपल आगे बढ़ती जाती, कर्म बाप हमको सिखलाती। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसी समाज के निर्माण में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुशासन ही मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान करता है तथा उसे समाज में उत्तम स्थान दिलाने में सहायता करता है। विद्यार्थी जीवन में तो इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वह समय होता है जब उसके व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ होता है। दूसरे शब्दों में विद्यार्थी जीवन को किसी भी मनुष्य के जीवन काल की आधारशिला कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वह जो भी गुण अथवा अवगुण आत्मसात करता है उसी प्रकार उसके चरित्र का निर्माण होता है। यदि विद्यार्थी जीवन से ही अनुशासन का पालन करने लगे तो उसकी राहें सुगम हो जाती हैं। कोई भी विद्यार्थी अनुशासन के महत्व को समझे बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन प्रिय विद्यार्थी नियमित विद्यालय जाता है तथा कक्षा में बताए गए कार्य का अनुसरण करता है, समय का सदुपयोग करता है। समय का सदुपयोग यानी समय का महत्व समझते हुए अपने जीवन के हर क्षेत्र में समय का सदुपयोग करना। पूरा कर लेते हैं अपना हर मकसद, पूरा कर लेते हैं अपना हर मकसद जो बंदे होते हैं वक्त के पाबंद। जो विद्यार्थी अनुशासन में रहता है तथा समय का सदुपयोग करता है, वही इसका सही उपयोग कर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। और जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, वह समय के महत्व को अनदेखा कर आलसी बना बैठा है और फिर जीवन में पिछड़ रहा है। ऐसे लोगों की ईश्वर भी नहीं सुनता। आज भी हम देखते हैं कि कई छात्र घंटों टीवी पर या मोबाइल के सामने बैठकर समय जैसी बहुमूल्य संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं और बाद में ईश्वर को ही कोसते रहते हैं। ऐसे लोगों की ईश्वर भी नहीं सुनता और उन्हें बाद में असफलता का मुख देखना पड़ता है। संत कबीर दास जी ने अपने दोहे में क्या खूब लिखा है, काल करे सो आज करे सो अब, पलभर में परले होगी बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि कल क्या हो जाए यह कोई नहीं बता सकता। अनुशासन सफलता की कुंजी है। किसी ने सही ही कहा है, अनुशासन के महत्व और समय के सदुपयोग के साथ साथ अध्यापक द्वारा बताए गए कार्य को भी पूर्ण करना चाहिए। विद्यार्थी को चाहिए कि यदि वह विद्यालय में है तो विद्यालय में रहकर विद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें।
विद्यार्थी को चाहिए कि वह प्रातःकाल उठकर व्यायाम करे, अध्ययन करे, स्नान करे और विद्यालय के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाए तथा समय पर विद्यालय जाए। उसे यदि कक्षा में ऑनलाइन शामिल होना है तो निर्धारित समय पर शामिल हो तथा कक्षा में बताए गए कार्य को पूरी लगन के साथ करें। अनुशासन में बंधे हुए हैं ग्रह उपग्रह और सब तारे। अनुशासन में बंधे हुए हैं ग्रह उपग्रह और सब तारे। अनुशासन की सीमा में है बंधे हुए जड़ चेतन सारे। वो अनुशासन ही तो है जो सूर्य समय पर उगता है, दिन निकलता है, रात होती है, ऋतु में बदलती हैं। सोचिए यदि यह सब समय पर ना निकले तो क्या होगा। अनुशासन विद्यार्थी जीवन की रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के बिना मनुष्य सही ढंग से खड़ा नहीं हो सकता और कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार यदि हम अनुशासन में नहीं रहे तो हमारा जीवन तितर बितर हो जाएगा। यदि आज के युग का विद्यार्थी अनुशासित नहीं तो वह समाज पर एक बोझ है। किसी ने सही ही कहा है, बिन अनुशासन रे मना बनते ना कोई काम, जीवन स्तर जिसे नीचे गिरे जिसे ना सकता कोई थाम। अर्थात अनुशासन के बिना हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, जिससे हमारा जीवन स्तर भी नीचे गिर जाता है और जिसे कोई संभाल नहीं सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि सफलता पाने की राह में अनुशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके बिना हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती और जिससे हमारा जीवन स्तर भी नीचे गिर जाता है। किसी ने जो व्यक्ति अनुशासित है वह जीवन के हर कार्य में अग्रसर होकर अपना योगदान भी देगा और जीवन में सफल भी होगा। परंतु जो विद्यार्थी अनुशासित नहीं है वह कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा और उसे असफलता का मुख देखना पड़ेगा और धीरे धीरे उसे समाज में लोग एक बोझ ही समझेंगे। विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन की महत्वपूर्ण उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वही समय होता है जब उसके व्यक्ति तत्व का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में विद्यार्थी जीवन को किसी भी मनुष्य के जीवन काल की आधारशिला कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वह जो भी गुण अथवा अवगुण आत्मसात करता है उसी प्रकार उसके व्यक्ति तत्व का निर्माण प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है वह आसानी से गलत रास्ते पर जा सकता है और उसे गलत रास्ते पर जाने के बाद वापिस सही रास्ते पर लौटने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कई छात्र तो ऐसे होते हैं जो कि वापिस सही रास्ते पर आ भी नहीं सकते। महात्मा बुद्ध का मानना था कि जिसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया तो उसमें इतनी क्षमता हो जाएगी कि जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। अनुशासनहीनता को उचित शिक्षा और उचित वातावरण में ही नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि किसी ने सही ही कहा है कि जिसे अनुशासन में रहने की कला आ गई उसने सफलता के रहस्य को समझ लिया। यदि हमने अनुशासन में रहना नहीं सीखा तो हमारी स्वतंत्रता भी खतरे में आ सकती है। इसके लिए नेपोलियन का एक उदाहरण हमारे सामने है, जिसके साथी के केवल 5 मिनट युद्ध में
देरी के आने के कारण वह पराजित हो गया और बंदी बना लिया गया। जिस प्रकार किसी खेल में निश्चित समय के भीतर नियमों का पालन करते हुए दूसरी टीम को हराकर हर प्रयास जीतने में लगाना होता है और प्रत्येक टीम का खिलाड़ी अपना हर प्रयास अपना लक्ष्य प्राप्त करने में लगाता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी समय के महत्व को समझते हुए अपने समय का पूर्ण उपयोग कर उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में लगा देना चाहिए। अनुशासन के लिए हमारा लक्ष्य बेहद स्पष्ट होना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम यूं भी कह सकते हैं कि जिसे अनुशासन में रहने की कला आ गई उसने सफलता के रहस्य को समझ लिया। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन के पालन पर मैं एक कहानी साझा करना चाहूंगी। एक वन में स्थित एक आश्रम में ज्ञानी साधु रहते थे। आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत ही ज्यादा आलसी शरारती और उदंडहीन था। उसकी उदंडताओं से परेशान होकर गुरुजी ने एक योजना बनाई और उस छात्र को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं कि तुम्हें बहती हुई नदी का बहाव रोकना होगा। अगले दिन वह छात्र नदी का बहाव रोकने के लिए नदी के पास गया। उसने ढेर सारे पत्थरों से उस नदी का बहाव रोका और जब उसका रास्ता रुक गया तो वह इतना प्रसन्न होकर वापस आश्रम में आ गया और थकावट के कारण वह जल्दी ही सो गया। जब सुबह हुई तो उसे अपने आसपास काफी शोर सुनाई दिया। जब उसने अपने आसपास देखा तो वहां पर उसके कमरे में चारों ओर पानी ही पानी फैला हुआ था। तब गुरुजी ने आश्रम की यह स्थिति देखकर उसे अपने पास बुलाया और कहा, मैंने तो तुम्हें नदी का बहाव रोकने के लिए कहा था, लेकिन अब तुमने सभी को चिंता में डाल दिया है। शीघ्र ही इसका निवारण करो और याद रहे, नदी का बहाव रुकना चाहिए। फिर वह छात्र अगले दिन उस बहाव को रोकने के लिए फिर चला गया और उसने काफी प्रयास भी किया और उसके प्रयास से वह पानी फिर गुरुकुल में नहीं गया, लेकिन वह पास ही स्थित एक गांव में चला गया और गांव की यह स्थिति देख गुरुजी ने उसे फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी मूर्खता के कारण आज यह सबकी चिंता का विषय बन गया है। तब छात्र ने गुरुजी से कहा, परंतु मैंने तो आपकी ही आज्ञा का पालन किया है। तब गुरुजी ने उसे कहा, मैंने तुम्हें नदी का बहाव रोकने के लिए कहा था। इसका अर्थ यह है कि नदी का बहाव रुकना चाहिए, मतलब कि पानी कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तब उस छात्र ने कहा, पर यह तो असंभव है। तब गुरुजी ने उसे बताया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि इसे तुमने रोका, वो भी दो बार। तब गुरुदेव ने उसे समझाया कि हमारा जीवन भी नदी की धारा की तरह है। हमारे भीतर अपार शक्ति है। यदि हम नदी की तरह अनुशासन में रहकर आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे, ठीक उसी प्रकार हमें भी दिशाहीन नहीं होना है। हमें तो क्योंकि अगर हम दिशाहीन हो गए तो हम दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। तब उस छात्र ने गुरुजी की बात सुनकर तुरंत वह नदी के पास गया और उस सारी रुकावट को हटा दिया और अपने जीवन से और अपने जीवन
रूपी अनुशासनहीनता रुकावट को भी अपने जीवन से उसने हमेशा के लिए हटा दिया। अनुशासनहीनता को अच्छी शिक्षा और उचित वातावरण से ही रोका जा सकता है, जिसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है ताकि हम अनुशासनहीनता को अपने जीवन से हटा सकें। परंतु इसका हमें सही लाभ तब मिलता है जब हम राष्ट्र के पद पर प्रशस्त होते हैं। अंत में मैं आपको विद्यार्थी जीवन और अनुशासन विषय पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। मेरा विद्यार्थी जीवन सदा कल्याणकारी हो, बचे हर पाप से भगवंत भी मुक्ति हमारी हो। मेरा विद्यार्थी जीवन सदा कल्याणकारी हो, बचे हर पाप से भगवन तभी मुक्ति हमारी हो। पठन पाठन के लिख चित में सही रुचि हमारी हो, गुरु आज्ञा का पालन कर सफल जीवन बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।